नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड सैनिकों की भूमि। जी हाँ, और इसी के साथ मैं आपको आज पूर्व सैनिकों से मुलाकात कराऊंगी कि इस वक्त प्रदेश में और खासकर सैनिकों की भूमि में सैनिकों की क्या दशा है। जी हाँ, मैं आज एक पूरे डाटे के साथ यहाँ पर कवरेज करने आई हूँ, जहाँ पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड की पूरी जनसंख्या में से 100% जनसंख्या में से 13% जो वोटर्स हैं वो सैनिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, और कहीं ना कहीं 3.34%, जी हाँ 3.34% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सैनिक ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा जो है मैंने आपको बताया वो कहीं ना कहीं सैनिक परिवार से ही ताल्लुक़ रखता है, और सैनिक हैं जिनके वोट बेहद कीमती होने जा रहे हैं इस चुनाव को लेकर। तो आज हम सैनिकों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, रैलियों में बड़ी बड़ी चुनौतियां दे रही थी कि हम सैनिकों को सबसे आगे रखेंगे, सैनिक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पर कहीं ना कहीं जो अब दशा हमें देखने को मिल रही है, जैसे जैसे चुनाव आ चुके हैं, 14 फरवरी को चुनाव है, पर अब ये देखने को मिल रहा है कि पूर्व सैनिक को बिल्कुल भी जगह नहीं दी जा रही है। 70 सीटों में से कितने ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिनको इस बार दावेदारी की लिस्ट में सबसे आगे रखा गया है, किसको सीट मिली है, कहां से टिकट मिली है, ये बेहद दिलचस्प होगा। मैं आपको दिखा दूँ, ये एक खन्ना पान भंडार है, ये एक पूर्व सैनिक ने अपना काम खोला है। तो आज हमारे साथ सर मौजूद हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस वक्त सैनिकों की उत्तराखंड जो सैनिक भूमि है उस पर क्या दशा है। सैनिकों का हाल जैसे आम आदमी का होता है वैसे चल रहा है। न सैनिकों को किसी को टिकट मिला है, न कोई उनका एरियर मिला है। वन रैंक वन पेंशन की गई थी मोदी सरकार ने, उसमें अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। और हमने क्या बोलना, हम तो साधारण आदमी हो गया। तो कहीं ना कहीं आपने बात की है टिकट की, जो सबसे बड़ा मुद्दा, जो मैंने सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले बात बताई कि बीजेपी कांग्रेस ने जितने भी रैलियों में बड़े बड़े दावे गए, पूर्व सैनिक को सबसे आगे रखने की बात कही, पर अब जो स्थिति है वहाँ पर साफ देखा जा रहा है कि 70 विधानसभा सीटों में से कितनी ऐसी टिकटें हैं जहाँ पर पूर्व सैनिक का दूर दूर तक जिक्र नहीं है, जहाँ पर वो दावे कर रही थी कि पूर्व सैनिक आएंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पूर्व सैनिक पहले नाम आ रहा था कोठियाल, क्या क्या कर्नल जनरल क्या क्या नाम थे उनके, वो एक भी आदमी नज़र नहीं आ रहा है, न उनका नाम आ रहा है। ये जो टिकट है उन्होंने अपने ही आदमी के, जो पुराने आदमी थे जो उनके खास आदमी होंगे उन्हीं को टिकट दिया है, बाकी नए आदमी किसी को टिकट नहीं दिया है। नाम पूर्व फौजी बना के दे रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एक पूर्व फौजी हैं और कहीं ना कहीं आपको इस भूमि से बहुत ज़्यादा प्यार है, और चुनाव नज़दीक है, तो आपको क्या लगता है किस भूमि के लिए कौन सा सीएम परफेक्ट है जो आपके हिसाब से आना चाहिए, और क्या इस वक्त जो स्थिति मौजूद है कौन सा सीएम सबसे अच्छा काम कर रहा है? नहीं तो काम तो कांग्रेस ने बढ़िया किया था, और कांग्रेस ही आनी चाहिए हमारे हिसाब से। और फौजी कुछ फौजी भाजपा में गए हैं, बाकी सब कांग्रेस में ही हैं। ज़्यादा उम्मीदवार कांग्रेस में हैं, उम्मीदवार जो हैं थे वो भी सब टूट टूट के कांग्रेस में आ गए हैं। आम जनता के लोग जो फौजी थे पुराने वो भी सब कांग्रेस में आ गए हैं, अब कुछ आम पार्टी में चले गए हैं, लेकिन भाजपा में कोई नहीं रहेगा। तो आप एक पूर्व सैनिक हैं, आपका वोट बेहद कीमती है, पूरी 100% उत्तराखंड की जनसंख्या में से 3.34% सैनिक है, तो आपका वो कीमती वोट किस पार्टी को जाने वाला है, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। वोट तो कांग्रेस को जाएगा हमारा जी। जो हमारे साथी हैं वो भी सब कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि सरकार को बदलने की नौबत आ गई है, क्योंकि सरकार ने इसने कुछ नहीं किया, सारे काम जो सब ठेके दे दिए, अब नौकरियां भी वैसे नहीं मिल रही हैं, और जो एरिया फेरियल मिलना था वो भी नहीं मिला है, इसलिए लोग परेशान हैं, भाजपा से परेशान हैं, इसलिए लोग कांग्रेस आना चाहते हैं। तो कांग्रेस की आपने बात कही, तो कांग्रेस से आपकी क्या क्या उम्मीदें जुड़ी हैं, जो सरकार अगर कांग्रेस की सत्ता में आती है तो क्या वो उलटफेर करेगी आपकी ज़िंदगी में, पूर्व सैनिक के लिए क्या काम करना चाहिए? जो काम रुका है वो तो पूरा करेगी, क्योंकि उसे पता है कि ये इस कारण से भाजपा जा रही है, इसलिए कांग्रेस को काम जरूर करेगी। जो जो काम रुके हैं लोगों के, नौकरियाँ रुकी हैं लोगों के, एक सर्विसमैन के जो पैसा रुका है, वन रैंक वन पेंशन रुकी है, वो सब कांग्रेस करेगी। आपके क्षेत्र में कैसे 3 विकास कार्य होने चाहिए? आपके क्षेत्र में कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो रुके हुए थे जो कांग्रेस आके पूरे कर देगी?
अरे रुके हुए तो ये हैं, जैसे हमारा एरियर नहीं मिला है, वन रंग पेंशन वन वो नहीं हुई है, जो हुई भी है तो उसमें पैसा नहीं मिला है, और बाकी जो बच्चे जो नौकरियां नहीं मिल पा रही उनको ठेके में काम हो रहा है, वो सब काम पूरे होने की उम्मीद है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि पूर्व सैनिक का अहम वोट किसी एक ऐसी पार्टी को जाएगा क्योंकि अब उत्तराखंड बदलाव चाहता है, तो इसी को मद्देनजर रखा हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और पूर्व सैनिक से बातचीत करके इस बात का अंजाम लगाते हैं कि इस वक्त राजनीतिक दल किस तरीके से काम कर रहे हैं और पूर्व सैनिक का दिल कौन सी पार्टी जीत के जाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो और लोगों से जानते हैं, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो स्थिति मौजूद है तो उसमें पूर्व सैनिकों को भाजपा कांग्रेस ये जो राजनीतिक दल है वो पूछ रहे हैं या नहीं? नहीं, देखिए जब से मतलब बीजेपी की सरकार आई जी, तब से तो पूर्व सैनिकों की काफ़ी मतलब देखभाल होती है, जैसे कैंटीन सुविधा जी, और या अन्य सुविधाएं जिस चीज़ों से हम लोग पहले 70 सालों से वंचित थे उसमें अभी 5 सालों में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ। अगर बात की जाए उत्तराखंड जो सैनिकों की भूमि, जो एक बहुत बड़ा टाइटल जो दिया गया है और वाकई में ये है सैनिकों की भूमि, पर जो 70 विधानसभाओं में टिकटें निकाली हैं भाजपा कांग्रेस ने, वहाँ दूर दूर तक पूर्व सैनिक का कोई नाम नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब इसमें देखिए ये बात ऐसी है, यदि पूर्व सैनिक कोई दावेदारी करता है और उनको टिकट न मिला हो तब तो हम बात कहेंगे। जी ऐसा हुआ है कि पूर्व सैनिकों ने दावेदारी पेश की पर टिकट नहीं मिला, और ये तो खैर मैं खास इसमें ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जब मेरे संज्ञान में ये चीज़ नहीं है, और बाकी के जो पूर्व सैनिकों की जहाँ तक बात है, पूर्व सैनिकों के लिए जो इस सरकार ने किया वो शायद ही कोई सरकार कर पाए। तो इस बार आपका जो कीमती वोट है, जो इतनी बड़ी जनसंख्या उत्तराखंड का कुछ परसेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सैनिक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसका कीमती वोट वो किस पार्टी को जाने वाला? हमारा वोट जो है वो तो बीजेपी को जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नाम पे हम वोट करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी हैं और उनके नाम पर वोट करेंगे जी। तो अगर आपने बात की कि हमारा वोट भाजपा को जाएगा, पर भाजपा को वोट देने के क्या ऐसे मुख्य तीन कारण हो? कारण तो जी मैं बहुत सारे गिना दूँ, कारण गिनाते गिनाते टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा जी, कोई भी तीन 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 कोई भी तीन नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब वन रैंक वन पेंशन का सवाल आया जी, हमारा जो सैनिक था, जो पूर्व सैनिक था जिसको पेंशन मिलती थी सिर्फ 4,000 या 5,000, वो जब वन रैंक वन पेंशन हुआ आज वो लोग उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है और वो लगभग 20 से 21 हज़ार पे नंबर एक काम। नंबर दो काम, जिन जिन इलाकों में कैंटीन नहीं थी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन नहीं थी, वो उन जगहों पे आजकल CST कैंटीन है, और वो जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, थराली में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन नहीं थी जी, तो वो भाजपा सरकार के कार्यकाल में आई और भाजपा सरकार ने ही कैंटीन खोली वहाँ पे। जब आपके ही कई सैनिक जो भाई बंधु हैं वो यही सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात कही है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो आर्मी कैंटीन होती है वो भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है और जो आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी भी सुविधा नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कैंटीन का जहाँ तक सवाल है, कैंटीन का अगर जो दूर दराज के लोग हैं अगर वो समय से नहीं पहुँचते हैं तब तक जो नज़दीक के लोग हैं वो तो कैंटीन ले जाएंगे, जल्दी फ़ायदा उठाएंगे, दूर दराज के लोग उनको जरा लेट से मिलता है लेकिन मिलता है बराबर। और हॉस्पिटल की जहाँ तक बात है, हॉस्पिटल की तो प्रॉब्लम है ही है, ये कुछ टाइम लगेगा हॉस्पिटल के लिए, उसकी भी सुविधा अगर यही सरकार रही तो जरूर बनेगा जी। तो आपको पूरी पूरा विश्वास है कि भाजपा सरकार अगर सत्ता में आती है तो जो पूर्व सैनिक से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं और सैनिकों से जुड़ी जितनी भी मुख्य समस्याएं हैं उन पर काम करेगी? पूरा पूरा मुझे तो पूरा भरोसा ही नहीं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो ये जितनी भी समस्याएं हैं पूर्व सैनिकों की सारी समाप्त हो जाएगी, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जी। तो जैसे कि इन्होंने भी बताया कि भाजपा सरकार अगर सत्ता में आती है तो पूर्व सैनिकों की काफ़ी हद तक समस्या जो है हल हो जाएंगी, तो और लोगों से भी जान लेते हैं अब इस वक्त क्या स्थिति मौजूद है। तमाम वादे तब झुठलाते साफ नज़र आते हैं जब चुनाव नज़दीक आ जाते हैं और चुनाव का नतीजा भी सामने आ जाता है, लेकिन अभी चुनाव आने बाकी हैं,
14 फरवरी को चुनाव है और उसके बाद 10 मार्च को वोटों की गिनती, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि जो है इस वक्त हमने देखने को मिल रही है। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक आम नागरिक होने के नाते, आप इस बार किसको वोट देना? बीजेपी। बीजेपी, बीजेपी क्यों? बीजेपी के बराबर और कोई है नहीं। तो क्यों बीजेपी, और क्या वजह रहेगी जो बीजेपी को आप जिताएंगे? देखिए मैडम, और जिस हिसाब से मोदी जी कर रहे हैं ना काम, उनके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। हम मोदी जी को देख के ही वोट देंगे। तो हमारे यहाँ के जो है मसूरी क्षेत्र गणेश जोशी जी, वो हमेशा हेल्पफुल बंदे हैं, जब भी कभी भी जाओ तुरंत आते हैं। तो ऐसी क्या मदद करी गणेश जोशी जी ने जो आप इस वक्त? तो मैडम ऐसा है कि गणेश जोशी जी ने हमारी इसलिए मदद करी कि एक बार ये सारे के ठीक हटाने का नौबत आ गई थी, ठीक है जी। तो हमने गणेश जोशी जी के पास गए तो उन्होंने कहा कोई किसी का नहीं हटेगा, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, ठीक है ना मैडम। तो इसीलिए जो हमारे साथ है हम उनके साथ है। तो अब मैं आपसे एक और सवाल लूंगी कि यहाँ पर मैंने अभी इस क्षेत्र में पूर्व सैनिक भी बहुत है जी, पूर्व सैनिकों की इस वक्त क्या दशा है, ये भी मैं एक आम नागरिक से जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग भी पूर्व सैनिक, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो है वो एक सैनिकों की भूमि है। तो इस पर आप क्या कहें? ठीक है मैडम, इसमें तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि भूतपूर्व जो सैनिक है उन लोग को भी बिल्कुल ठीक ठाक पेंशन मिल रही है, उनका भी सब बढ़िया चल ही रहा है। और अब जो स्थिति बनी हुई है कि कांग्रेस भाजपा जो चुनावी रैलियों में बड़े बड़े वादे कर रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने सैनिकों को भी सबसे आगे रखने की बात की है, पर सैनिक कहीं ना कहीं पीछे हो गए। उनकी जब सीटें देने की बात आई तब सैनिक पीछे हो गए, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा अपने वादों पे खड़ी होगी? देखिए मैडम, भाजपा अगर आएगी तो आना ही है, और अपने वादे उन्होंने पूरे करने ही पड़ेंगे। अगर देश को चलाना है तो बीजेपी को ही लाना पड़ेगा। अच्छा, तो देश को चलाना है तो बीजेपी को लाना है, ये आपने नारा बनाया है, ये आपका नारा है जी। बाकी देखे मैडम, हम किसी के लिए नहीं बोल सकते कौन किसको दे, मेरा जो है मैंने बीजेपी को ही देना। चलो, आपने बात की कि बीजेपी को अगर आना है, और तो इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को ना जिताने के क्या हुआ, ऐसे तीन कारण है? देखिए मैडम, हराने वाली बात तो नहीं है, लेकिन अपना अपना सबका है, जो मेरा है, जो मेरा दिल कहता है तो मैंने बीजेपी को देना है तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। तो अब और लोगों से भी जान लेते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति मौजूद है, लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, किस पर विश्वास जताना चाहती है। तो मैं आपसे भी जान लेती हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी सरकार है? बीजेपी की है। क्यों बीजेपी? हमारे बीजेपी जाता है। बीजेपी, आप मोदी भक्त है? ना, कांग्रेस के। हम तो कांग्रेस के, पर जिताएंगे मोदी को? क्यों? आम आदमी को जितवा देंगे क्या? नहीं नहीं, आप मेरी वजह से वोट ना बदली अपना, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी क्यों? बीजेपी क्या काम करे बीजेपी? काम तो सही, किसी ने करा काम तो सही? काम किसी ने सही नहीं किया, पर आप मुझे लग रहा भाईचारे के उससे बीजेपी को वोट दे देंगे। हाँ, हर साल बीजेपी जाता है वोट। अच्छा, तो बीजेपी को जाएगा आपका वोट, और बाकी आपके घर वाले किसको वोट देंगे? सब उसी में जाते हैं, बीजेपी। देखिए आप यहाँ पर अब बीजेपी के चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं, और लोगों से, महिलाओं से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस वक्त स्थिति मौजूद है। मैं आपसे जान लेती हूँ कि क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी? तो भाजपा ही आएगी शायद। भाजपा? भाजपा क्यों? काम अच्छा कर रखा उन्होंने। क्या काम? काफ़ी काम अच्छा कर रखा, लॉकडाउन लगा तभी भी काफ़ी मदद की लोगों की, गरीब आदमियों की सुनी सबकी, और अभी भी अच्छा ही काम कर रही है। तो आपने बात की कि लॉकडाउन जब लगा तो भाजपा ने काम अच्छा करा, हमारे को सब चीजें राशन रूशन पहुंचाया, तो घर जाके मदद भी। तो क्या 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 दिया आपको भाजपा? राशन तो काफी दिया, सभी को मदद करी है, और आगे तो उम्मीद वही है, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब आप महिला एक, और महिला की क्या उम्मीदें हैं जिस भी सरकार से, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अपना ओपिनियन रखिए। अच्छा, तो जैसा कि अभी जैसे दिनचर्या चल रही है, रोजगार की बात जो हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी व्यवसाय चल रहा है, तो इस कारण अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। तो अभी जिस तरीके की हम महिलाओं से भी बातचीत कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो आखिर में जो निर्णय आ रहा है वो भाजपा आ रहा है, पता नहीं कहीं ना कहीं भाजपा पर जनता अभी ज़्यादा भरोसा कर रही है। तो अब जान लेते हैं और लोगों से
किस वक्त क्या मौजूदगी है स्थिति में, और किस तरीके से यहाँ के दुकानदार किसको वोट देंगे, क्या चल रहा है, क्योंकि सियासी गलियारों में इस वक्त माहौल गरमाया हुआ है। बेशक जो राजधानी का माहौल है वो ठंडा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसको वोट देने वाली आप? आम आदमी पार्टी सरकार। आम आदमी पार्टी को क्यों? सबको मौका मिलना चाहिए सत्ता में, सबको मौका मिलना चाहिए। अब तक तो ये भाजपा थी, अब इसको आ जाना चाहिए आम आदमी को। अच्छा, तो अगर आप आम आदमी पार्टी को दे रहे हो तो बदलाव तो नहीं देखा होगा बेशक, पर कौन सी ऐसी तीन वजहें हैं जो आप आम आदमी पार्टी को जिताओगे? नहीं, मैंने सोचा इस बात। क्या सोचा? यही मैं देखना चाहिए सत्ता बदल के आनी चाहिए, क्या पता क्या नया हो जाए। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जो गारंटियां रखी हैं अपनी इतनी सारी, आपने भी आप भी जानते होंगे उन गारंटी को, तो कौन सी गारंटी आपको सबसे बढ़िया लगी जो आपका फैसला बदल गया? सबसे बढ़िया ये कुछ तो वो लाइट फ्री करने का रहे। हाँ। ये ज्यादा बढ़िया लगा मुझे। अच्छा, तो 300 यूनिट फ्री बिजली आप इसका लाभ उठाना चाहती हैं? जी जी। अच्छा, तो आप आम आदमी पार्टी के साथ है, तो अब मैं आपसे भी जान लेती हूँ कि किसको वोट देंगे आप? हमारा तो अभी वोट का वही नहीं आता हमारा कभी। अच्छा, तो अभी आप वोट देने के लिए नहीं एलिजिबल है। अच्छा, तो चलिए अब बाकी से भी जान लेते हैं कि इस वक्त क्या है माहौल सियासी गलियारों में। आज हम एक ऐसी भूमि थी जिसे सैनिकों की भूमि कहा जाता है। मैंने आपको ये बार बार इस शब्द इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि लगातार हमने लोगों से बातचीत की, लोग नहीं वो पूर्व सैनिक थे, और कहीं ना कहीं जो पूर्व सैनिक की आवाज़ है वो कहीं ना कहीं एक भारी मतों के साथ इस बार विजय प्राप्त करा सकती है किसी भी पार्टी को। तो लगातार हमने लोगों से बातचीत करके आपको ये दिखाने की साफ कोशिश की है कि जो भाजपा कांग्रेस अपने वादों की लिस्ट में, मैनिफेस्टो में पूर्व सैनिकों का नाम बार बार इनपुट कर रही है, पर किस हद तक पूर्व सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है इस सैनिकों की भूमि में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। 14 फरवरी को जो चुनाव होने वाले हैं वो बेहद रोमांचक रहेंगे, क्योंकि 3% से भी ज़्यादा परसेंट एक सिर्फ सैनिक की है पूरे उत्तराखंड की, अगर हम आबादी की बात की जाए। और इसके अलावा भी हमने जितने भी लोगों से बातचीत की उनका यही मानना है कि किस तरीके से भाजपा कांग्रेस अपने वादों से मुकरती नजर आई है। मैं निशी भाटिया, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ, नमस्कार।